बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में लगातार राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही थी और जिस वजह से आज पीएम शेख हसीना ने सबसे पहले इस्तीफा दिया और इसके बाद देश छोड़कर चली गई। लेकिन अब यहाँ पर इस खबर का T20 वर्ल्ड कप से क्या कनेक्शन है? आने वाले वक्त में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी सीरीज होने वाली है और T20 वर्ल्ड कप ये किस तरीके से इस घटना से इफेक्ट में आएगा, ये हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। दरअसल बांग्लादेश में 1971 के युद्ध में लड़ने वालों के उत्तराधिकारियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर यह विवाद पैदा हुआ था। बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरक्षण रद्द करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। इसके बाद पिछले महीने ही हमने देखा किस तरीके से वहां पर टकराव की स्थिति पैदा हुई थी और कल एक बार फिर यहां पर ऐसी ही स्थिति शुरू हुई जिसमें पिछले दो दिन में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और जिस कारण यहां पर राजनीतिक हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब ऐसे में T20 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश में खेले जाने वाला है और 3 अक्टूबर से बांग्लादेश में शुरू होगा, तो ऐसे में बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप किस तरीके से होगा, क्योंकि वहां पर अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है। वहां पर सेना का कंट्रोल हो चुका है, हालांकि सेना ने अभी हाल ही में कहा है कि वहां पर शांति की स्थापना वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ICC का क्या मोटिव है यहां पर, अब ICC किस तरीके से यहां पर करवाएगी T20 वर्ल्ड कप, क्या T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से शिफ्ट होगा, ये सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो जानने योग्य है वो ये है कि ICC की हाल ही में एक मीटिंग हुई थी कोलंबो में, जहां पर ICC ने इस बात पर भी चर्चा की थी कि बांग्लादेश में जो हालत है उसको लेकर कैसे T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कराया जाएगा। तो वहां पर ICC ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि बांग्लादेश की स्थिति पर वो लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि T20 वर्ल्ड कप क्या शिफ्ट होगा बांग्लादेश से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरे की संभावना है और सिक्योरिटी थ्रेट की संभावना है, जिस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर वर्ल्ड कप जो है वो शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक सीरीज़ भी होने वाली है, बांग्लादेश की टीम भारत आएगी, उस पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसे में आप देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर उस सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप के साथ ICC क्या करती है, और ख़ासकर वर्ल्ड कप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महिला वर्ल्ड कप है और 2 साल में एक बार आता है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें होंगी ICC की कि किस तरीके से बांग्लादेश में शांति की स्थापना हो और वर्ल्ड कप को बड़े आराम से वहां पर आयोजित कराया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल देखकर यही लग रहा है कि बांग्लादेश से वर्ल्ड कप शिफ्ट हो सकता है। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।